एक नया वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को कुछ इसमें कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई देगी, जिसमें आपको पता चलेगा ऑर्बिट से जुड़ने के फ़ायदे और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आएगी कि हमारे साथ लोग जो मेंबरशिप लेते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें मिलती है और क्या काम होता है, किस तरीके से आप हमारे साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये, 2 से 3 दिन मैं थोड़ा सा पर्सनल कुछ काम में बिज़ी रहूँगा, तो हो सकता है व्हाट्सएप पर सबको रिप्लाई ना जाए, तो आपको सिर्फ इतना ख्याल करना है जिसका पेमेंट अभी तक नहीं आया है वो लोग पार्सल्स का पेमेंट भेज दें। पार्सल जो रेडी है मैंने फ़ोटो भेजा हुआ है, और जिनके पार्सल नहीं गए हैं वो आज कल में जाएंगे और मंडे या ट्यूसडे तक सारे पार्सल चले जाएंगे। और जो कॉइन आने वाले थे, जो सेट्स आने वाले थे, वो सेट की भी अपडेट मैं व्हाट्सएप पर ही आज शाम में या कल तक आप लोगों को दे दूँगा। तो ये आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे, और व्हाट्सएप पे अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है तो 2-3 दिन का इंतज़ार करना, रिप्लाई आपको मिलेगा। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। मैं बोल रहा हूँ जी, बोलिए ना। अच्छा, मैंने आपको वो पेमेंट भेज दिया था। हाँ, 2000 रुपीज आया है आपका। हाँ जी। अच्छा, वो पहले मैंने जो आपकी वीडियो देखी थी उसमें 1500 रुपये बताया था आपने। हाँ, स्टार्ट में 1200 था, अभी भी 1500 ही है, लेकिन अभी लेटेस्ट वर्जन वाली बुक के साथ अगर आप रडप्पा जी की बुक लेना चाहते हैं तो 2000 रुपये है। अदरवाइज अच्छा, अभी 1500 ही है, जिसमें मेरी बुक लेटेस्ट वर्जन और एक कॉइन एल्बम, 108 कॉइन का एल्बम। अच्छा, ये चीज इसमें मिलती है। अब हमें क्या क्या मिलेगा जी? आपको ये दो चीज़ तो मिलेगी, तीसरी साईनाथ रडप्पा जी की लेटेस्ट जो 2023 की है, 22-23 वो वाला, तो 9th एडिशन आपको इसमें मिलेगा जी। तो मतलब काम की चीज़ है आपके लिए, 500 में कहीं पे ये बुक नहीं मिल पाएगी आपको रडप्पा जी। मैंने इसीलिए 2000 भेज देते जी। जी। अच्छा, और इसके अलावा जैसे कि आप हमें सदस्य बना रहे तो इसका भी कुछ सर्टिफिकेट वगैरह देंगे? सर्टिफिकेट तो नहीं होता है, लेकिन जो मेरी बुक है ना उसके लास्ट पेज पे आपको फोटो आपकी लगवा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है? मैंने बनाया हुआ इस तरीके से, नाम वगैरह सारी चीजें लिख सकते हैं, और ऑर्बिट ट्रेडर का वहाँ पे मेरा सिग्नेचर के साथ आपको मिल जाता है। तो अच्छा, लास्ट पेज पे बुक के ये चीज मेंशन होती है कि आप मेंबर हो, ठीक है? अच्छा जी, ठीक है। और ये जैसे कि कभी हमें कुछ आपसे बात करनी पड़ जाए, पूछना पड़ जाए, मैं मतलब मेन मुद्दा है, मेरी उम्र है 62 साल जी, मेरे बच्चे बाहर ही हैं, मतलब गुड़गांव है अभी, तो एक बच्चा बाहर है। तो अब मैं कल गुड़गांव था, परसों गुड़गांव था, लेकिन मैं अब मेरठ आ गया। ओके, क्योंकि मेरी बात हो जाती वो बच्चा जी। मैं चलो कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ आ गया, अब तो मैं ही करूँगा। ठीक है, बात देखिए ऐसा है ना सर कि व्हाट्सएप पे मैं मैसेजेस लेता हूँ, और ये वाले नंबर पे सुबह से लेके शाम में 2 से 3 बार मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ जो मेंबर्स होते हैं या जो अच्छा, नहीं भी होते हैं, जिससे जो मेरे से बाइंग सेलिंग करते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे रिप्लाई चला जाता है। कभी कभी ऐसा होता है दिन भर में मेरा व्हाट्सएप चेक भी नहीं होता है, ठीक है? तो बाकी अगर इमरजेंसी है कुछ आपको, तो आप जब मैसेज लिखे रहोगे तो मैं सामने से आपको कॉल करूंगा या आपको टाइम दे दूंगा, वो टाइम पे हमारी बात हो जाएगी, ठीक है जी? है ना। अच्छा, जैसे जी, जैसे मैंने आपको पीछे भी वो म्यूल सिक्का का भेजा था, आपने लिखा था उस पर 2500 से 10000 रुपए तक की है इसकी कॉस्ट, मान के चलो। हाँ, कौन सा वाला म्यूल था आपका? म्यूल था 2 रुपए वाला, 2008 वाला। अच्छा, गोल्ड में जो लिखा हुआ। जी, समझ गया। आपके इसी वोट तब पे था। हाँ जी। तो जैसे कि मतलब जैसे कि अब उस आपने देखा उसकी क्या कॉस्ट, समझिए चलो जी, वैसे कंडीशन पे सब कुछ डिपेंड करेगा। नॉर्मल जैसे वेरीफाइंग कंडीशन में मैं उसका 2-2500 कम से कम उसका मार्केट प्राइस है, उसके बाद एकदम जेम यूएनसी में 10000 तक भी जा सकता है उसका प्राइस जी। ये एक एस्टिमेशन होता है, फिक्स कोई चीज नहीं होती है, एक अंदाजा हम बता सकते हैं ऐसा है। जी। अच्छा, जैसे मेरे पास अब देखो, मुझे अभी तक तो ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन आपकी वीडियो वगैरह देख के काफी मुझे ज्ञान भी हुआ है जी। और अब ये बुक्स आ जाएंगी आपकी, तो इसको देख देख मेरे पास काफी कॉइन्स है, ज्यादा कॉइन्स है मेरे पास, ये वाले, ये जो क्या नाम जो है 5 रुपए वाले, ये जो
क्या बोलते हैं इसे, जो फोटो पुराने वाले, फोटो वाले, हाँ फोटो वाले हैं, अच्छा। और 5 रुपए वाले वे भी हैं, क्या नाम जो है जी, जो जो 1992 1993 94 2004 तक के भी हैं जी, अच्छा। और 2 रुपए वाले भी हैं, फोटो वाले 2 रुपए वाले सादे भी हैं, 2 रुपए 1 रुपए वाले भी हैं, काफी हैं मतलब। अच्छा अच्छा तो जैसे कि मतलब मुझे जैसे आपकी बुक्स है पता लगे तो मैं आपको फोटो डाल सकता हूँ? बिल्कुल डाल सकते हैं, अच्छा ठीक तो है। अगर फोटो हाँ, डालेंगे आप तो बहुत सारी क्वांटिटी में मत डालिएगा, ठीक है। नहीं क्वांटिटी में नहीं डालने की, हाँ तो मान लीजिए रोज का 5-10 फोटो शेयर कर सकते हैं, और कोशिश जी करिएगा बुक से रिलेटेड कोई चीज़ हो, मिल रही हो जी आपको, तो वो भेजोगे जी तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक हाँ, है। बुक से रिलेटेड ही भेजूंगा जी, वैसे नहीं हाँ मतलब भेजूंगा वैसे दूसरे भी अगर तो। आपको बहुत सारे सिक्के हैं जो अभी बुक में नहीं डाले हैं मैंने, ठीक है, तो हो सकता है ऐसे भी कुछ आपको मिले हैं जिसकी जानकारी आपको हो, या कहीं से जी मिल जी रही हो कि ये भी एक रेयर सिक्का है, तो आप उसकी भी भेज जी सकते हैं। लेकिन हाँ बोलने जी का जी मकसद ये, कॉमन सिक्कों का भेजेंगे तो जी हो सकता है, मैं चेक तो कर लूंगा, उसका कोई रिप्लाई नहीं आएगा आपको, तो आप समझ लेना ये सिक्कों में कोई ऐसा कोई खास सिक्का है नहीं, ठीक है अच्छा जी अच्छा जी अच्छा। तो जैसे ये 5 रुपए वाले जो ये मोटे वाले सिक्के हैं ये बोलते हैं, जिसमें 2000 2004 तक जो उन्नीस सौ बने थे, बानवे से हाँ 1992 से 2004 तक जो बने थे जी, ये इनमें सब में है कुछ थोड़ा बहुत दम या सब नहीं में या नहीं है, सब में नहीं है। अच्छा देखिए अच्छा प्रैक्टिकली बताऊँ ना, तो जी। सबसे इम्पोर्टेंट उसमें 2004 का 5 रुपए में हैदराबाद वाला स्टार वाला, जो अभी अच्छा कहीं ना कहीं अच्छा मतलब रेयर इतना है कि जल्दी मिल नहीं रहा है वो कॉइन, ठीक है। जी। और उसके अलावा अगर बात करूँ तो फिर 2004 में कोलकाता मिंट यूएनसी कंडीशन में डिमांड में, बॉम्बे अच्छा भी वैसे ये यूएनसी कंडीशन में डिमांड में, ठीक है, अच्छा 2004 में। अच्छा अच्छा और 1999 जी जी 1999 में हाँ जी बॉम्बे मिंट होना चाहिए डायमंड, बहुत सारे लोग नोएडा मिंट को समझ लेते हैं, अच्छा उन्नीस सौ हाँ निन्यानवे में हाँ डायमंड डायमंड, डायमंड लेकिन पीछे बैक साइड में लायन की जो वैरायटी होगी, अशोक स्तंभ जो होगा वो उभरा जी हुआ होगा, फैट लायन होगा, उसके बारे में मेरी बुक में डिटेलिंग दी हुई है, ठीक है। जी जी तो वो वाला भी कहीं ना कहीं रेयर श्रेणी में, उसकी प्राइसिंग 300-400 रुपये से शुरू होके 1500 रुपये तक या 2000 तक भी जा सकती है, अच्छा ठीक अच्छा है। अच्छा तो हाँ जी ऐसे हाँ जी कुछ है। फिर 95-96 में नोएडा मिंट है स्कार अच्छा श्रेणी में, जो आप जी जी कलेक्ट करके रख सकते हैं, आगे डिमांड आ सकती है इनकी। मतलब 2002 का मैं भी नोएडा मिंट है उसमें, ठीक नहीं है, जैसे कि हाँ जी 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 2001 जी मेरे ख्याल से, 1 या 2 में नोएडा मिंट है उसमें, अच्छा 2001 में भी है हाँ 2000 एक या दो में नोएडा मिंट है जो उसमें स्कार अच्छा है, वैसे 95-96 में भी है, ठीक अच्छा है। अच्छा अच्छा हाँ और फिर उसमें एज वैरायटी आती है, प्लेन एज और रेडिड एज, तो वो भी एज वाले ही बुक में डिटेलिंग दी है मैंने। हाँ मेरे पास वो भी है, मैं वो तो मैंने छांट लिए जी, प्लेन वाले रेडिड एज वाले उसमें लेकिन ख्याल ये करना है कि पूरा प्लेन हो तो पूरा प्लेन हो, रेडिड हाँ हो तो पूरा पूरा रेडिड हो, ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो ही उसकी कुछ वैल्यू होगी। जी अच्छा 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 जी और जी जैसे कि जितने भी ये जैसे 2 रुपए में या 5 रुपए में जिन पर तस्वीर बनी हुई है सब पर पीछे किसी की काम के काम रहा है ये समझ हैं गया समझ गया। स्मारक वाले जी जो सिक्के हैं ना, इसमें सिर्फ ख्याल ये करना है, कॉपर जी निकल के जो पुराने हैं, हाँ ठीक जी है, कॉपर निकल हाँ हाँ उसमें जो भी होगा अच्छी कंडीशन में उसको तो पहले अलग कर लेना आपको, ठीक है। उसमें मिंट मार्क बाद में देखना, पहले कंडीशन वाइज अगर अच्छे हैं, यानी थोड़ा बहुत लस्टर दिख रहा है जिसपे, उसको अलग कर लेना, उसको चाहे कॉमन क्यों ना हो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी कलेक्टर की नज़र में, ठीक है। बाकी फिर अगर मिंट के हिसाब से आप चेक करोगे तो फिर वही आपको स्कार से वेरी स्कार और रेयर श्रेणी के अलग करते जाने, तो जो भी अच्छा वो कॉइन, आपकी बुक से पता लग जाएगा हाँ ना वो बिल्कुल तो बिल्कुल, ये वाले एडिशन में सब कुछ पता चल जाएगा आपको। अच्छा। जी तो अब तो आप मुझे दो तो बुक भेजोगे जी, हाँ जी एक एक वो भेजोगे आप हाँ, कॉइन एल्बम को, इसके अलावा भी कुछ और भेजोगे नहीं जी, नहीं नहीं फिलहाल इतना ही कोई है। ये गिफ्ट टाइप हम गिफ्ट तो में बहुत कॉइन दूर एल्बम ही दे रहा हूँ ना मैं, अच्छा बुक अच्छा तो अच्छा मेरी बहुत दूर से थी। हैं हम जी, तो आपका बहुत दूर से हैं, मेरठ से हैं बताओ, यूपी से अभी मेरे मेरठ से पास जम्मू कश्मीर से लेके वेस्ट बंगाल से लेके गुजरात से लेके सब जगह से जी। सारे लोग जुड़े हुए, इवन नागालैंड से हैं अच्छा और नेपाल से भी लोग जुड़े हुए हैं मेरे पास, अच्छा तो अच्छा ये ये सोशल मीडिया की वजह से इतना सब कुछ हुआ है।
हाँ नहीं, वैसे जी मैं आपको बताऊं, मतलब मुझे तो थोड़ा सा आपके जो वो डालते हो ना जी, जैसे आप बताते हो या आप थोड़ा सा वो पूरा लिख क्या डालते हो, उससे बहुत ज्यादा ज्ञान हुआ। ऐसा कोई नहीं बताता, मैंने औरों के भी देखे वो कुछ खास नहीं बताते, जैसे ज्ञानी जैल सिंह है, वो क्या नाम, ज्ञानी जी क्या बता रहे, नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा, वो भी बताते हैं, मतलब कोई खास नहीं है, लेकिन आपका एक एक शब्द लिख के डालते हो वो, तो उससे काफी ज्ञान मिल जाता है। हाँ, मेरी कोशिश है कॉमन लोगों को समझ में आ जाए सारी चीजें, तो उस हिसाब से मैं बताता हूँ। कब तक पहुंच जाएगी जी बुक ये मेरे पास जी? देखिए, पार्सल्स अभी जा रहे हैं सबके, धीरे धीरे, हो सकता आज पैक हो जाए आपका या कल पैक हो। तो आज मुझे पैक होगा। हाँ, एड्रेस आपने भेजा नहीं है, सॉरी, ये बताना था आपको। जी, मैं कॉल कर रहा था, लगा नहीं, फिर बाद में मैंने व्हाट्सएप चेक किया, आपने दूसरा नंबर दे रखा है, जी, तो जी, फिर मैंने आपको सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज किया, या तो आप कीजिए या मैं कॉल करता हूँ। हाँ तो आप जी क्या जी कीजिए, सबसे पहले एड्रेस पिन कोड के साथ लिख के भेज दीजिए मुझे पूरा, ठीक है जी, ठीक ठीक है। है? हाँ पार्सल हो सकता है जी, आज ही रेडी कर दूं, कल यहाँ से निकल जाएगा। अच्छा जी, ठीक स्पीड पोस्ट से भी जाएगा तो 4 से 5 दिन कम से कम लगता है, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ, बाकी अच्छा, पार्सल अगर कुरियर से गया तो हो सकता है 2 से 3 दिन में पहुंच जाएगा आपके पास। जैसे ये मैं सिक्के छांट लूंगा तो जी ये आप मेरे सिक्के खरीद लेंगे या क्या करोगे हाँ, या नहीं? खरीदते हैं हम, लेकिन मेंबर्स को भी एक कंडीशन है, स्कार वेरी स्कार श्रेणी के जो सिक्के हैं मोस्टली, वो जी, मैं 1 टाइम में 1% से 5,000 के खरीदता हूँ, ठीक है? अच्छा, जी इसके ठीक है, बाद फिर 2 महीना 3 महीना गैप करके वापस आप बेच सकते हो, लेकिन अगर रेयर श्रेणी के होंगे तो वो जी आप हमें रेगुलर बेस पे दे सकते हैं, ठीक है? अच्छा, चाहे वो ठीक दस है जी। हजार के हों चाहे 50,000 के हों। वो तो हम आपको एक काम करेंगे ना, जैसे आपने कहा कि 5 या 7 या 5 7 फोटो आप वो भेज देख रहे हैं, तो आप उधर से मुझे इंडिकेशन कर देख रहे हैं कि पहले ये तो आप आप क्या ये कर। कीजिएगा, बुक का जी इंतजार जी कीजिए, बुक आ जाने दीजिए आपके ठीक पास, है, उसके ठीक है जी, बाद ठीक उसको फिर आराम से आप चेक कीजिए, है ना? है, ठीक है फिर जी, उसको हफ्ता 10 दिन देके सब आप शॉर्टिंग कर लोगे ना, तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा इसमें से कौन से सिक्के जो बिक सकते हैं, तो फिर उनका ठीक, फोटो भेजिए आप मुझे, ठीक है? ठीक। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी जी मुझे, जी जी जैसे जैसे सिक्कों पे मैल सा चढ़ावा है जी, मैल से मीन्स हाँ जैसे कि हाँ मट्टी वगैरह लगी होती है। हाँ, तो वो साफ करने हैं या नहीं करने? फिलहाल तो मत कीजिए आप, ठीक है? अच्छा, नहीं करें। अच्छा जी, थोड़ा सा ठीक मेरा है, एक वीडियो उस पर डाला हुआ था, लेकिन मैंने हटा दिया वो वीडियो, क्लीनिंग अच्छा अच्छा से अच्छा रिलेटेड। एक्चुअली क्लीनिंग में कभी कभी कुछ केमिकल यूज हो जाते हैं, या फिर लींबू से भी लोग जो करते हैं ना विदाउट जी, केमिकल, उसमें भी गड़बड़ हो जाती है साफ करने में। अच्छा तो अच्छा अच्छा जब तक मतलब नॉर्मली, वैसे क्लीन बोले तो सिर्फ मट्टी वगैरह ही क्लीन करनी होती है, बहुत सारे लोग जो है ना उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट कर देते हैं जिससे लस्टर चढ़ जाए, चमक हो जाए, ऐसी चीजें बिक भी रही है मार्केट में यूट्यूब पर, ठीक है? तो हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ जी, सब हाँ जी, चीजों ठीक में मत जाइएगा, आपके है सिक्के जी, की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो नहीं करने के ना, हम नहीं ये नहीं वो पूछ रहे मत आपसे। अच्छा, कीजिएगा, ठीक है? बहुत से सिक्के तो बिल्कुल नए से आए हैं जी, और हाँ, बहुत से सिक्के थोड़े से मतलब वो ज्यादा वो हो जाए, थोड़े से गंदे से दिखाई दिए हैं, तो इसलिए आप पूछ मुझे रहे हैं। बता देना तो मैं आपको बता दूंगा कि इसको क्लीन करने की जरूरत है भी या नहीं, ठीक है? ठीक है, ठीक है जी, ऐसे कोई बहुत मतलब जरूरत रही तो ही थोड़ा सा उसको नॉर्मल तरीके से क्लीन किया जाता है, लेकिन हाँ जी, बहुत हाँ, ज्यादा उसमें कुछ केमिकल से या इससे उससे करने की जरूरत नहीं होती, वो मैं बताऊंगा अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है? ठीक है, ठीक है जी, और कुछ? बस जी, आपका बस आपसे आवाज आज रूबरू सुन ली आपसे, बड़ा जी जी प्रेम, आपका प्रेम सा हो गया कुछ मन से। अच्छा जी, चलिए ठीक है, एड्रेस भेज दीजिए आप ठीक, मुझे, मैं मैं एड्रेस, ठीक पार्सल भिजवा देता हूँ आपका, ठीक है जी? चलिए ठीक है, अच्छा जी, अच्छा बाय, नमस्कार। नमस्कार। आज का एक नया वीडियो अपडेट कर रहा हूँ, ये